नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज़ एंटरटेनमेंट में। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज बात करेंगे फिल्म धूम की एक ऐसे किस्से के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, धूम फिल्म आई थी जो कि 2004 में यशराज प्रोडक्शन के द्वारा और आदित्य चोपड़ा द्वारा डायरेक्टेड एक फिल्म थी। और इस फिल्म का ऐसा एक किस्सा है जो कि हेमा मालिनी और ईशा देओल से जुड़ा हुआ है। जो आपको बता दें कि ईशा देओल इस फिल्म में, आपको एक शॉट था जहाँ पे वो गाने में बिकिनी पहने हुए नजर आई थी और समुंदर से बाहर निकलती हुई, जो उनका हॉट और काफी ज्यादा बोल्ड लुक था वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था। लेकिन इस फिल्म के पीछे एक किस्सा है जो एक इंटरव्यू के दौरान जो है ईशा देओल ने बताया एक पूरे प्रोडक्शन हाउस को। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय था जब आदित्य जी ने मेरे को स्टोरी सुनाई इस फिल्म की, तो उन्होंने कहा कि आपको बिकिनी पहननी पड़ेगी एक रोल के लिए धूम फिल्म में, जो कि काफी पहला ही पार्ट सुपरहिट था। और बात की जाए तो जब ये बात कही गई ईशा देओल को कि आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो काफी ज्यादा डर गई। उन्होंने कहा कि एक बार अपनी मदर से पूछ के फिर आपको बताऊंगी कि फिर इस रोल को मैं करूंगी या नहीं करूंगी, या इस जो आपने करेक्टर मुझे बताया इसमें फिट बैठती हुई नहीं। तो ईशा देओल घर पे गई और अपनी मदर से वो हिचकिचा रही थी इस चीज़ को पूछने में, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले भी स्कूल फंक्शंस में और पूल में और हॉलीडे वेकेशंस में मेरी मदर ने मुझे बिकिनी में देखा है, लेकिन इस फिल्म में जो है बिकिनी पहनने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बड़े पर्दे पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस जो है आपको लाखों में लोग देखेंगे। और वहीं हेमा मालिनी से उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ को पूछने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही थी मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बटोरने के बाद मैं इस फिल्म के बारे में अपनी मदर से पूछने चली गई। और जब उनसे हेमा मालिनी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं डर रही थी कहीं मुझे मार ना पड़ जाए या काफ़ी ज़्यादा डांट ना पड़ जाए इस चीज़ को लेके। तो लेकिन हुआ इसका उल्टा, जब उन्होंने पूछा अपनी मदर को कि क्या मैं इस मेरे को ऐसे ऐसी पूरी स्क्रिप्ट है, मैं इस रोल के लिए मुझे बिकिनी पहननी पड़ेगी, तो हेमा जी या माता जी से अपने पूछा कि मैं क्या ये पहन सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्यों क्यों नहीं पहन सकते, बिल्कुल पहन सकते हो। अगर आपने काफ़ी बार वेकेशन पूरी अपने दोस्तों के सामने तो ये चीज़ें, और जब आप बीच पे जाते हो तो आपने ये सब चीज़ें पहनी है, तो ये नॉर्मल है, इसमें क्या दिक्कत है, आप पहन सकते हो। बट ये है कि अगर आप पहन रहे हो और आप पहली बार इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मुझे ये चाहिए कि शॉट जो है बढ़िया आना चाहिए और बढ़िया तरीके से फिल्म शूट होनी चाहिए, और तुम्हारा जो ये पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह दिखना चाहिए। तुम एक एक लाइफ जो है अलग से दिखनी चाहिए कि हाँ भी ईशा देओल ने कुछ चीज़ प्रिपेयर की है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होगी ईशा देओल, उनने उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी मदर जो है इस तरह का आंसर उन्हें देंगी, पर वो जब उनको ये आंसर मिला उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद तो क्या था, इस रोल को देखने के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और रातों रात जो है फेमस हो गई अपने रोल को लेकर ईशा देओल। उसके बाद तो क्या, उनको एक के बाद एक फिल्म में मिलती गई, और धूम का हिट का तो आप सभी को पता है, एक पार्ट हिट हो और अब तक उसके सीक्वल आ रहे हैं, धूम 4 भी जल्दी आने वाली है। तो ईशा देओल और धूम से जुड़ा एक किस्सा आपको कैसे लगा मैं जरूर बताएं, और ऐसी तमाम अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।